Hello and welcome to XLIT classroom. Today we are reading lesson number 5, Advanced Formula and Function in Microsoft Excel. So my dear students, you will see here Excel spreadsheet aap dekh rahe hain. There are some component of Excel spreadsheet. These are your tabs and this is your quick access toolbar and this is your ribbon here. This is your name box here and this is your formula box, all right? And this is your complete Excel spreadsheet and it is used along with row and column. These are your column and these are your rows. तो rows and column के combination से जो आपका बनता है एक cell बनता है. Let's suppose cell address of this cell is G11, all right? So these are your component and last is your task bar here, and above the task bar you will see there it is status bar here, all right? You should know all component of your Microsoft Excel. Again I am telling you, this is your quick access toolbar topmost. And these are your tabs, these are your ribbon, this is your formula box, this is your name box, these are your column, these are your rows, and this is your task bar, and above the task bar it is your status bar. So these are your component of your Microsoft Excel sheet. So today we will learn what is the difference between formula and function. Yes my dear student, it is very important to know the difference between formula and function. Kya difference hota hai aapka formula and function mein? So function ka matlab hota hai ki Excel ke kisi bhi predefined formula ko use karna, jo Microsoft Excel mein formulas define kiye hain, ठीक है? उनकी डेफिनेशन दी है फॉर्मूलाज की, वो फॉर्मूला जो एक्सेल में यूज हो रखे हैं दैट इज कॉल्ड योर फंक्शंस, ऑल राइट? सो हेयर यू विल सी द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड फंक्शन. हेयर वी विल यूज फंक्शन एंड हेयर वी विल यूज फॉर्मूला, ऑल राइट? यू विल सी हम यहाँ पर फॉर्मूला को यूज करके देखेंगे, सॉरी यहाँ फंक्शन यूज़ करके देखेंगे और यहाँ फॉर्मूला. फंक्शन क्या होते हैं? प्री डिफाइंड्स होते हैं. और फॉर्मूला क्या होते हैं? जो यूज़र डिफाइंड होते हैं, जो हम बनाएंगे वो आपके फॉर्मूलाज होते हैं, और जो माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल में ऐड किए हैं फॉर्मूला वो आपके फंक्शंस कहलाते हैं. रिमाइंड इट ऑलवेज, ऑल राइट स्टूडेंट्स? सो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड फंक्शन. फॉर्मूलाज आपके यूज़र डिफाइंड होते हैं जो हम यहाँ सीखेंगे, और जो माइक्रोसॉफ्ट ने यूज़र डिफाइंड फॉर्मूला यूज़ किए हैं उन्हें फंक्शन हम यहाँ देखेंगे. सो वी विल सी द एग्जांपल ऑफ सम. सम का एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं. हेयर यू कैन सी 56, 64, 32, 85. दीज नंबर्स आर अवेलेबल हेयर. वी वॉन्ट टू ऐड दीज नंबर्स. हम इन नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, ऑल राइट? सो हाउ यू विल ऐड दीज नंबर्स? कैसे आप इन नंबर्स को ऐड करेंगे? तो यहाँ आप यूज़ करेंगे किसका? फॉर्मूला का या फंक्शन का? हम प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे जो कि आपका फंक्शंस कहलाता है, ऑल राइट? सो प्री डिफाइंड फंक्शंस आपका कौन सा है? सम. सम का यूज़ करेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी एक्सेल में डिफाइन किया हुआ है. तो हम क्या करेंगे इसके लिए? SUM वर्ड का यूज़ करेंगे, ऑल राइट? सो यू विल सी 56, 64, 32 एंड 85. दीज नंबर्स आर अवेलेबल हेयर. सो फॉर अप्लाइंग द सम फंक्शन, प्रीडिफाइंड फंक्शन
बट वी विल राइट हेयर. क्या हम लिखेंगे इसके लिए? इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम इक्वल टू साइन का यूज़ करते हैं जब भी हम किसी फंक्शन का यूज़ करते हैं. इन यस्टरडे क्लास आई टोल्ड यू व्हेन वी यूज़ एनी फॉर्मूला और फंक्शन वी विल यूज़ इक्वल टू साइन. ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट इक्वल टू साइन. सो D8 सेल जो है आपका, यहाँ हम फॉर्मूला लिखेंगे. हेयर यू कैन सी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल, देन SUM वर्ड वी विल यूज़ फॉर इट. आफ्टर दैट वी विल अप्लाई ब्रैकेट्स हेयर. ब्रैकेट्स का अप्लाई करेंगे और जिसका भी सम करना है उनकी रेंज हम डाल देंगे. D4 से लेकर D7 तक हम ऐड करना चाहते हैं, देन वी विल अप्लाई सम. Here you can see function is your predefined. And now we will see the formula जो कि Microsoft ने कुछ define नहीं किया है, जो user defined करता है. ठीक है, ये आपका predefined होता है function, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, user defined करेंगे. Simple cell address लेंगे और बीच में plus का sign apply कर देंगे. So here you can see when we enter बटन देन यू कैन सी सम इज अवेलेबल हेयर. सम आपका प्रोवाइड हो जाएगा. तो ये आपका यूज़र डिफाइंड है. सो यही डिफरेंस होता है आपका फंक्शन में और फॉर्मूला में.